अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो आपने ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में देखे होंगे लाइक like, वहाँ पे पूछा जाता है दैट व्हाट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल और लोकेशन ठीक है तो आपसे मेमोरी एड्रेस पूछा जाता है ये रो मेजर वाइज होता है कॉलम मेजर वाइज होता है तो ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं एंड ये बेसिकली होती ही हैं तो so, आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं सो so, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि एक मेमोरी एड्रेस होता क्या है सो फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो लाइक फॉर इंस्टेंस आपने यूज़ किया इंट ए इज इक्व टू एंड उसको वैल्यू असाइन कर दिया टेन इंट ए इज इक्वल्स टू टेन सो आपने वेरिएबल का डेफिनेशन भी पढ़ा होगा दैट वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशंस वेयर द वैल्यूज़ आर स्टोर्ड तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली कोई भी वैल्यू मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं किसी फिक्स लोकेशन पर जाके सेव हो जाती है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने कहीं पे एक वैल्यू डिक्लेयर की लाइक इंट ए इज इक्वल टू टेन ए के अंदर वैल्यू टेन स्टोर किया आपने अब ये प्रोग्राम में तो ऐसे लिखा है बट कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर ये ए वेरेबल जाके स्टोर हुआ होगा सो so ये ए वेरेबल जिस भी मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ होगा फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये मेमोरी लोकेशन टू थाउजेंड पर जाके सेव हुआ ठीक है हार्ड डिस्क के अंदर या किसी मेमोरी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन टू के ऊपर जाके सेव होता है तो वही 2000 हमारा क्या हो जाएगा मेमोरी लोकेशन जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर्ड है इन अदर वर्ड्स जो ये वैल्यू मैंने 10 ए के अंदर सेव किया एक्चुअल में मेमोरी में कहाँ पे जाके सेव हुआ होगा मेमोरी लोकेशन 2000 पे तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा इसका एड्रेस मेमोरी में हो जाएगा 2000। अब जरूरी नहीं है हमेशा 2000 थाउजेंड हो यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल टू माना अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको कुछ और दिया हो इन रियलिटी मेमोरी में हो सकता है 1000 थाउजेंड लोकेशन पे सेव हो वन लोकेशन पे सेव हो तो जिस भी लोकेशन पे जाकर ये वैल्यू सेव होगा मेमोरी के अंदर वही वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा वही लोकेशन क्या हो जाएगा हमारा मेमोरी एड्रेस ठीक है तो ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है एंड बेसिकली देखो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एड्रेस बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में आपको बता देगा इस जगह पे वो वैल्यू सेव है तो आप डायरेक्टली वो बता सकते हो ठीक है तो ये पूछा भी नहीं जाता है लेकिन आपको एड्रेस का कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये बताना जरूरी था सो so अब बात करते हैं कि एरेज के केस में हम मेमोरी एड्रेस कैसे निकालते हैं सो so देखो एरे में कोई सिंगल वैल्यू तो होता नहीं है एरे में एक से ज्यादा वैल्यूज होते हैं तो वहां पे मेमोरी एड्रेस आपको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्यों क्योंकि देखो वहां पे आपको दे रखा होगा कि स्टार्टिंग वाला एलिमेंट आपका किस पोजीशन पे सेव्ड है बट आपसे पूछेगा कि एरे का बताओ फिफ्थ एलिमेंट कहाँ पे है तो वो हम कैसे निकालेंगे चलो इसके बारे में देखते हैं तो सपोज अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं सो क्वेश्चन इज फाइंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए एट थ्री इन एन इंटीजर एरे इफ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे दैट इज एट जीरो सो so, चलो अभी देखते हैं दैट इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सो so, अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है दैट एक इंटीजर एरे है एंड उस इंटीजर एरे पर हमें ए एट थ्री वाले एलिमेंट का एड्रेस बताना है सो so, इस क्वेश्चन में हमें गिवन था दैट इस एरे का जो बेस एड्रेस है मतलब ए एट जीरो वाले पोजिशन का जो एड्रेस है वो वन थाउजेंड है ठीक है तो आपको ए एट थ्री वाले लोकेशन का या उस वाले एलिमेंट का एड्रेस बताना है सो so, एक सिंगल डायमेंशनल एरे में एड्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है ए एट आई इज इक्व टू बेस एड्रेस आपका जो बेस एड्रेस होगा वो प्लस आप साइज ऑफ ईच एलिमेंट देख लो जैसे आपका इंटीजर आ रहा है तो वहाँ पे साइज फोर हो जाएगा ठीक है डबल होगा तो वहाँ पे साइज आपका एट हो जाएगा सो so, जो भी आपका साइज है जिस टाइप का आपका आ रहा है वहाँ पे आप डब्लू की जगह साइज रख दो एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ जितने बॉक्सेस के बाद आपको एड्रेस निकालना है लाइक आई माइनस एल बी आई माइनस एल बी का मतलब जिस पोजीशन का आपको एड्रेस निकालना है आई पे आप वाला वैल्यू रखोगे एंड एल का मतलब लोअर बाउंड जैसे इस एरे के केस में यहाँ पे एट जीरो का पोजीशन दिया था तो यहाँ पे लोअर बाउंड क्या हो जाएगा जीरो ठीक है स्टार्टिंग एड्रेस जो भी आपका होगा वो होगा लोअर बाउंड तो सपोज अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में हमें ए एट का एड्रेस निकालना था सो एड्रेस ऑफ ए एट कैसे निकाल लोगे आप आप रखोगे यहाँ पे बेस एड्रेस दैट इज 1000 इस केस में आपको दिया हुआ था 1000 बेस एड्रेस प्लस डब्लू क्योंकि आपका ये इंटीजर टाइप आ रहा था तो यहाँ पे आप साइज कितना रखोगे फोर फोर बाइट्स ठीक है आपको बाइट्स में साइज रखना होता है यहाँ पे तो डब्ल्यू की जगह हमने रखा फोर देन ब्रैकेट में आई आई आपको किस पोजीशन का एड्रेस निकालना था थर्ड पोजीशन का तो आपने वहाँ पे रखा थ्री लोअर बाउंड आपके आ का कितना था स्टार्टिंग एड्रेस आपका था जीरो जीरो से स्टार्ट था अरे ठीक है तो आपने वहाँ पे रखा जीरो तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा वन प्लस आप यहाँ माइनस कर दोगे थ्री माइनस सो ये आ जाएगा थ्री दैन फोर्थ रीजा कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो वन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व विल बी इक्वल टू वन थाउजेंड एंड ट्वेल्व सो वन थाउजेंड एंड ट्वेल्व आपका आ जाएगा एड्रेस ऑफ ए एट थ्री सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे निकाला सो so, अब हम देखने वाले हैं कि हम एक टू डी एरे में मेमोरी एड्रेसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अभी ये बेसिकली दो टाइप्स का होता है पहला आपका होता है रो मेजर वाइज एंड सेकेंड आपका होता है कॉलम मेजर वाइज सो बात करें अगर टू डी एरेज की तो so किसी एक टू डी एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को दो तरीके से फिल कर सकते हैं या तो हम उसके अंदर एलिमेंट्स को रो वाइज़ फिल कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज फिल कर सकते हैं सो रो वाइज का मतलब यहाँ पे ये यह होता है कि आप एलिमेंट्स को रो वाइज फिल करो या एक एक करके रो बाय रो फिल करो एंड कॉलम वाइज़ का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स को कॉलम बाय कॉलम एक एक करके फिल करो अब क्योंकि ये दोनों मेथड्स अलग अलग हैं तो ऑब्वियस ये बात है दोनों केसेज में आपका एड्रेस भी अलग अलग आएगा अलग अलग एलिमेंट्स का सो so, अब जैसे रो मेजर वाइज वाले मेथड में हमें ए एट आई जी का एड्रेस निकालना है मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेस एड्रेस प्लस डब्लू डब्ल्यू मतलब साइज मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी एंड अगर यही काम हमें कॉलम वाइज वाले में करना होगा तो वहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे बेस एड्रेस प्लस डब्लू इंटू आई माइनस एल आर प्लस एम इंटू जे माइनस एल सी अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे बी ए का मतलब होता है बेस एड्रेस या फिर स्टार्टिंग एड्रेस आई का मतलब होता है रो सब्सक्रिप्ट उस एलिमेंट का जिसका एड्रेस आपको फाइंड करना है एंड जे आपका उस एलिमेंट का कॉलम वाला सब्सक्रिप्ट होगा डब्ल्यू आपका होगा साइज ऑफ एलिमेंट एल आर का मतलब है लोअर बाउंड ऑफ द रो रो का लोअर बाउंड एल सी का मतलब है लोअर बाउंड ऑफ कॉलम कॉलम्स का लोअर बाउंड एम का मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड कैपिटल इन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स सो अभी हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको इन फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करना है अब जैसे आप पे क्वेश्चन के बना है a matrix P 15 comma 10 is stored with each element requiring 8 bytes of storage. If the base address at P 00 is 1400, determine the address at P 10 comma 7 when the matrix is stored in row major wise. तो यहाँ पे हमें एक matrix दी हुई है, जिसका size है 15 and 10. Means यहाँ पे row का size आपका 15 है and column का size 10 है. And आपको given है that यहाँ पे जो filling हो रही है, वो row major wise हो रही है. तो कैसे solve करेंगे इसको चलो देखते हैं. सो so, यहाँ पे हम रो मेजर वाइज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है एरे का आई एट जे पोजिशन यहाँ पे एरे आपका पी है तो पी एट आई जे विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल आर मल्टीप्लाई बाई एन वहाँ पर एन था तो एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कॉलम हमने ले लिया है प्लस जे माइनस एल सी ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला होता है रो रो मेजर वाइज के लिए सो so, यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं तो बेस एड्रेस हमें गिवे है फोर्टीन हंड्रेड प्लस विथ आपको यानी कि साइज़ आपको दिया हुआ है एट बाइट्स वो हमने रखा देन ब्रैकेट के अंदर आई आपको टेंथ रो वाले एलिमेंट का एड्रेस बताना था तो रो में रखेंगे हम टेन माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो जो कि आपको क्वेश्चन में जीरो दे रखा है देन मल्टीप्लाई बाय आपको दिया हुआ है कॉलम का साइज टेन शुरुआत में आप देख सकते हो फिफ्टीन कॉमा मैं टेन तो वहाँ पे कॉलम का साइज टेन है तो हमने टेन से मल्टीप्लाई किया प्लस आपको जो एलिमेंट है उसका कॉलम नंबर क्या है सेवन सेवन्थ कॉलम नंबर वाले एलिमेंट का आपको एड्रेस फाइंड करना था तो यहाँ आपने जे की जगह क्या रखा सेवन माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम कॉलम का भी लोअर बाउंड ऑफ देख लो आपको दिया हुआ है जीरो लोअर वाला आपको दोनों लोअर कॉलम जीरो दिया हुआ है पी जीरो जीरो सो बस आप इसी को आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो यही आपका हो जाएगा एड्रेस ऑफ एलिमेंट पी टेन कॉमा सेवन तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर